नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए बिटकॉइन जो है, अगर आप फिलहाल अगर आप नोटिस करें तो सारे ही मार्केट, चाहे आप बिटकॉइन के अलावा दूसरे मार्केट्स को भी आप यहाँ पर देखते हैं, सारे ही ग्रीन जोन में आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला चीज देखिए, जो स्टेबल कॉइन्स है अपने, वही थोड़ा थोड़ा रेड जोन दिएगा, क्योंकि वहां से जो पैसा निकल कर है दूसरे मार्केट्स में आते जा रहे हैं। मेन कारण है जो कि बिटकॉइन को डिराइव कर रहा है, यहाँ पर दो बड़े कारण उसको आप नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए तो ब्लैक रॉक का जो है स्पॉट बिटकॉइन ETF जो है वो लिस्ट हो चुका है कहाँ पर, नेस्टेक ट्रेड क्लियरिंग फॉर्म, ठीक ना। दूसरा जो बड़ा कारण है कि यूएस का जो गोल्ड है उसने इशू किया है, मैंडेट किया है फॉर ग्रे स्केल रूली को, ताकि सेक जो है वो रिव्यू कर सके स्पॉट बिटकॉइन के ETF को। यहाँ पर दो बड़े ये कारण निकल कर आते हैं जो कि ये क्लियरिफाई करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको सरप्राइज दिखा होगा कि इतना ज्यादा ड्राइव हुआ है। स्पेशली अगर कुछ यहाँ पर कुछ को देखते हैं, जैसे कि मीना को देखते हैं, तो अभी देखिए 78% से उसका मार्केट जो है अप है। स्पेशली पेपे को देखते हैं, वो भी लगभग 27% से मार्केट इसका भी अप दिख रहा है आपको। तो क्या ये यहाँ से जो है शॉर्ट टर्म में जो बुलिशनेस है, डेफिनेटली कोई बड़ा न्यूज आता है तो मार्केट में धीरे धीरे करके पंप आपको देखने को मिलता है। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि अभी भी मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाता रहे, क्योंकि अभी भी इसका जो चार्ट है, जो इसका सारा चीज दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि मार्केट के पास एक ड्राइविंग फैक्टर है कि जो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर जा सके। बट एक थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप इस चीज को ग्राफ और चार्ट्स में नोटिस करते हैं, तो बिटकॉइन के ग्राफ और चार्ट्स में भी देखिएगा, तो सबसे पहला चीज आपको देखिएगा कि यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी ये वाला जो जोन है, यहाँ से अभी लगभग 42,000 जो तक, मतलब एक एरिया है जहां तक मार्केट का प्राइस जो जा सकता है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी क्लियरली दिख रहा होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये कंटिन्यू करे ऐसे ही, अगर अच्छे न्यूज आते रहे, तो डेफिनेटली बात है कि आपका प्राइस जो थोड़ा सा और ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। बट हाँ, चूंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो ऊपर गया हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे कर सकता है। हालांकि देखिए तो आपको 35,000 के आसपास गया था, तब से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया भी है। अगर आप इस चीज को 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आपको ये क्लियरली देगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पाइक जो है, ये वाला प्राइस रिजेक्शन थोड़ा सा नीचे मिला और फिर उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक ना। तो हाँ, डेफिनेटली बात है कि चूंकि बिटकॉइन में एक बार बुलिशनेस आता है, तो अल्ट क्वाइन जो भी है उसके बाद भी उसमें पंप आपको स्लोली स्लोली देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से अब जो है अगला पंप जो आपको थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर जो क्रिप्टोज हैं आसपास, जैसे कि ऑलरेडी हो रहे हैं, कुछ और भी क्रिप्टोज हैं उनमें भी आपको पंप स्पेशली देखने को मिलेगा। ऑलराइट ना, ओके दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।